चलिए साहब, सुनना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। हो सकता है कि इन 28 दिनों में हम बहुत कुछ पढ़ निकले, और ये भी हो सकता है कि हम कुछ नहीं पढ़े। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है। इन्होंने बोला है कि अपने पास साइन ए की वैल्यू है, साइन ए को आप और किसमें चेंज कर सकते हो, कोस में, टेन में, कोट में, सेक में, और कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? बताइए, कोस में हो सकता है, साइन कैसे चेंज कर सकते हैं? साइन को अगर कोस में चेंज करना है तो साइन, कोस, सेक, कोसेक, कुछ भी जिसको आप चेंज कर पा रहे हो। इसने कहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए, इसमें आपको और कोट ए किस किस में चेंज करना है? इसको इसको आपको चेंज करने के लिए इसने बोला है, सबसे पहले इसने कहा है आपको कि एक तो इसे चेंज करिए आप सेक ए में, फिर आप कीजिए टेन ए में, फिर आप इसको चेंज कर दीजिए कोट ए में। परिवर्तित करना है, इसको बदलना है। साइन ए और सेक में कोई संबंध हो तो बताओ। वन अपॉन कोसेक। ये बात तो सही है कि साइन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक होता है, ये बात तो ठीक है, पर मुझे सेक में चाहिए। और कुछ वैल्यू हो जो याद आ रहा हो? विशाल, मुझे साइन ए की वैल्यू को सेक ए में चेंज करना है, सीधी सी बात ये कह रहा हूं। अपने अपने जितने भी दिमाग है वो लगा लो। अच्छा देखो, एक मिनट के लिए देखना, ये जो साइन ए है, मैंने इस साइन ए को स्क्वायर ए में लिखा, चल जाएगा क्या? ये सही हो जाएगा क्या? मैं साइन ए को साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं क्या? अरे नहीं लिख सकता हूं, ऊपर मुझे लगाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? अंडर रूट लगाना पड़ेगा। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से हट सकते हैं। तो अपन ने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर ए लगाने की बजाय अपन ने उसके ऊपर अंडर रूट भी लगा दिया। या मैं इसकी जगह पे भले ये लिखूं कि साइन ए, तब भी एक ही बात है। मेरी बात समझ में आई? भले मैं क्या लिख रहा हूं, साइन ए, या भले मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट, तब भी बात एक ही, या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कहा सर हमको ये पता है कि हम ये जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा, ये आपको पता है ना? ये चीज आपको पुराने समय से मैंने बता रखी है, ये सारे सवाल बता रखे हालांकि, है ना? साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक। तो जहां पर साइन लिखा हुआ वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? वन अपॉन कोसेक। तो रूट तो है, रूट ही है, वन तो वन है ही है, साइन की जगह वन अपॉन कोसेक लिख सकता हूं मैं, वन अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ए। स्क्वायर क्यों लगाया मैंने? क्योंकि साइन के ऊपर भी क्या है? स्क्वायर है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी कोई वैल्यू आ रही है क्या? अपने को किसमें जाना है? सेक में। अब दिमाग थोड़ा सा और लगाओ कि और क्या वैल्यू हो सकती है? वन माइनस सेक स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है? इजिकल टू कोसेक स्क्वायर। इसकी जगह पर ये यूं कह रहा है कि सर ये जो है ना, ये फॉर्मूला ये नीचे लिखा हुआ, इसकी जगह पे आप एक चीज लिख सकते हो कि ये जो कोसेक स्क्वायर है इज इक्वल टू वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है, एक फॉर्मूला अपन ने लिखा। मेरी बात को समझना, जहां पर मैं वापस लिखा दूंगा उस पर मत जाओ, मैं वापस लिखा दूंगा। जहां पर मेरे को लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए,
या कोसेक स्क्वायर है वो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वन माइनस सेक स्क्वायर है ना। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया रूट के अंदर वन अपॉन वन माइनस सेक स्क्वायर ए, ऊपर क्या लगेगा बोलो, रूट है तो रूट है ही, अंडर रूट है ही। अब बताओ इनमें कोई रिलेशन आ सकता है जो सेक के पदों में आ जाए, वैसे सेक के पद यही होंगे, दे रखा है कोस यही है सेक यही है। नेक्स्ट देखो हाँ कोस है टेन है और साइन है, साइन तो अपन ने निकाल दिया, कोस अपन ने निकालेंगे अब, तो सेक की वैल्यू में वन अपॉन सेक स्क्वायर था, मेरे को कुल मिला के सेक होना चाहिए, तो मैं कैसे लाऊंगा साइन और किसके इक्वल हो जाएगा, इसको चेंज मुझे किस में करना है सेक में करना है, तो मेरे वैल्यू क्या रखी मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, साइन इज इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन कोसेक होता है, मैंने क्या कर दिया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए तो अपन ले सकते हैं, तो स्क्वायर ए ले लेंगे, ऊपर क्या लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे, तो अब तो कम बात क्या होगी, भले साइन ए बोलूं या अंडर रूट, रूट में साइन स्क्वायर ए बोलूं बात एक ही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा सब साइन की जगह वन अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, लिख दो वन अपॉन कोसेक का स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वो भी लिख दो, लिख दिया तो अपने पास सेक आ गया, कुल मिला करके साइन सेक के पदों में प्राप्त होगी आपने को। उतार लो फटाक से एक और देखते हैं, हो गया एक क्वेश्चन और निकालते हैं अपन इसी में से पकड़ के। मिटा दूं इसको मैं, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है इसको देखते हैं अपन। दिन में अपन ने जो आज क्लास में अपन ने जो किया है उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। मेरे पास में है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा, करो यही है। कुछ आ रहा हो समझ में, हाँ जयंती लाल नहीं मुकेश नरेश, क्या नाम नरेश, कर पा रही है? हाँ प्रूव करना है कि कोसेक थीटा माइनस माइनस है ना माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कोस थीटा प्लस वन प्लस कोस थीटा। सबसे पहले क्या करेंगे अपन एलएचएस ले लेंगे, इधर वाले को एलएचएस ही बोलते हैं, इसको तुम अच्छे हाँ
इसको तुम अच्छे ढंग से जानते हो, इसके ऊपर स्क्वायर है तो आप अच्छे ढंग से जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोसेक थीटा को अपन क्या कह सकते हैं? वन अपॉन साइन। देखो इन चीजों को थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप जो फॉर्मूले सीखे हुए हो वो तब ठीक है, जब इसके पीछे कहीं पर भी टेन या कोट लिखा हो ना, मेरी बात को सुनना, क्या लिखा हो कहीं पर भी, क्या लिखा हो, एक तो टेन, एक क्या लिखा हो कोट। ये टेन और कोट कमाल करते हैं। आपको एक वे पता होना चाहिए कि टेन जहां पर भी आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और जहां कहीं पर भी कोट आ रहा है तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। साथ में यह भी चेक करना है कि माइनस में प्लस में जो कुछ भी दे रखा है क्या उसमें से भी साइन कोस कुछ आ रहा है क्या, जैसे कि इसका कोसेक का क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन, कोट का क्या हो जाएगा कोस अपॉन साइन, दोनों के नीचे साइन साइन आ रहे कि नहीं आ रहे, तो अपन एलसीएम ले सकेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अपन यहां तक जाएंगे। तो इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं, इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो रेड पेन से लिखा है मैंने उसका खाली मतलब ये है कि अपने को खाली समझना है, बाकी वापस अपन इसी पे आते हैं। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह लिख दूंगा वन अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो क्या आ जाएगा बताओ, साइन थीटा। इधर देखो ध्यान से, साइन से साइन, वन माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। क्या कर सकता हूं मैं चेंज, क्या बदलाव लाया जा सकता है?